खबर है जहां आपको बताया बीजेपी नेता को सरतन से जुदा की धमकी मिली है। निदा खान को मिली है सरतन से जुदा की धमकी। कट्टरपंथियों ने ये धमकी दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कट्टरपंथी हुए निदा से नाराज। पूर्व मैसेज कर सर कलम करे की धमकी दी गई है और एक नंबर से मैसेज आया और जिस मैसेज में लिखा है तेरा सिर काटकर चौराहे पर लटका दूंगा और तेरी वजह से मुसलमान औरतें बागी हो रही हैं। ये तमाम तरह के मैसेज लिखे गए हैं और इसकी फिलहाल पुलिस को से सुरक्षा भी की गुहार लगाई गई है। निदा की सुरक्षा में पहले से ही तैनात रहते हैं। हालांकि दो गनर आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में तलाक पीड़ित महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदा खान को दो दिन पहले ही गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। जजमेंट हुआ है परसों और कल ही मेरे पास एक धमकी आई है कि 10 लाख रुपए नहीं देंगे, 10,000 गोलियां डालेंगे। तो ये साफ सी बातें उन्हीं की तरफ से किसी ने मुझे मैसेज किया है और उसके बाद देखा जाए कि हमारे 11 और मुकदमे ऐसे चल रहे हैं जिसमें पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। चार्जशीट लगाई और कोर्ट में डाल दिया, कभी उन्हें गिरफ्तार तक नहीं किया। अजय कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी अजय, ये धमकी भरा मैसेज आ रहा है, पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए दीपाली, बताना चाहूंगा कि ये निदा खान के संग जान से मारने की धमकी का पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं और लगातार जो है निदा खान आला अधिकारियों से मिलती है और उसके बाद जो है मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो है किसी तरह की कार्रवाई। जी मीडिया से खास बातचीत में निदा खान ने अपना इस मुद्दे को रखा कि हर बार जो है उसको जान से मारने की धमकी मिलती है और उसके पीछे किसका हाथ है, जिसके अभी अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं कि निदा खान का तलाक होता, तलाक को लेकर कोर्ट ने जो है 10 लाख का कंपनसेशन देने की बात कही थी और ये धमकी भरा जो मैसेज है ये आया है कि हाँ कि हम तेरे को 10 लाख रुपए नहीं देंगे बल्कि 10 लाख गोलियां मारेंगे, चौराहे पे तेरी सर काट के चौराहे पर लटका देंगे। तो ये ऐसे में बड़ा ये धमकी भरा जो मैसेज है निदा खान को मिला है। निदा खान को पुलिस प्रशासन ने पहली सिक्योरिटी दे रखी है लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मैसेज आ रहे हैं और पूरी